अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस इब्तदाई वीडियो में हम जमात शशम के हवाले से मज़मून उर्दू का एक मुख्तसर जायज़ा नसाबी इलाहे अमल का पेश कर रहे हैं। आपने इस वीडियो को ग़ौर से देखते हुए अपनी तमाम कुतुब और अपने नसाबी इलाहे अमल को तरतीब देना है। जमात शशम मज़मून उर्दू नसाबी कुतुब का तारुफ़। सबसे पहले हमारे पास जो लाजमी और बुनियादी चीज़ है वो हमारी उर्दू की दरसी किताब है शशम की। फिर इसके बाद हमारे पास इकरा अमली किताब शशम जमात की आपके पास मौजूद है। और फिर हमारे पास तहरीरी काम के लिए इकरा उर्दू नोटबुक जो आपको स्कूल से मुहैया की गई हैं वो मौजूद हैं। आइए चलकर देखते हैं कि हमने अपना काम, तहरीरी काम किस तरतीब से अपनी इकरा नोटबुक पर और अमली किताब पर करना होगा। इसको समझ लेने के बाद आपका तहरीरी काम इंतहाई आसान हो जाएगा। निसाबी लाए अमल बनाए जमात शशम उन्वानात की तरतीब यहाँ आप देख लें। ये आपका तहरीरी काम नहीं है, बल्कि इसको देखते हुए आपने, इसकी तमाम तरतीब को देखते हुए आपने अपना इकरा नोटबुक का काम मुकम्मल करना है। और इसी से मुतल्लिका अमली किताब का काम भी आपने मुकम्मल करना है। याद रहे कि तमाम निसाबी, हमारे पास निसाबी काम उर्दू का अमली किताब में मौजूद है। इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना काम इकरा उर्दू नोटबुक पर करना होगा इस तरतीब के साथ। सबसे पहले हमारे पास सबक उन्वान कवायद हैं, बाब अव्वल है, तारुफ़ है उसका, जो कि अमली किताब सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद है। हमने अमली किताब का काम मुकम्मल कर लेने के बाद इकरा नोटबुक पर अपना तहरीरी काम करना है इसी से मुतल्लिका। और फिर हम्द है हमारे पास जो नज़म की सूरत में है, अमली किताब सफ़ा नंबर 1 और 2 पर इससे मुतल्लिका हमने काम मुकम्मल कर लेने के बाद इकरा नोटबुक पर तहरीरी काम करना है, जो कि हमारा मशकी सवालात का काम है और इसी में हमारे पास तशरीहात भी शामिल हैं। फिर हमारे पास दरख्वास्त बराए बीमारी है, उसके बाद मज़मून हम करेंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और इसी तरतीब से फिर हमारे पास दूसरी नज़म है नात, जिसका अमली किताब से मुतल्लिका काम सफ़ा नंबर 3 और 4 पर मौजूद है। और फिर 3 और 4 पर मुकम्मल कर लेने के बाद अपना काम हमने इकरा नोटबुक पर तहरीरी काम करना है, जो कि मशकी सवालात और इसी से मुतल्लिका तशरीहात का काम है। इसी तरह हम आगे भी सारी तरतीब देख लेते हैं। आपने इसको बग़ौर इसका मुतालिया कर लेना है, इसकी तरतीब को समझ लेना है। इसी तरतीब से हमारा आइंदा आने वाला तमाम काम जो आपको वीडियो सेंड की जाएंगी उसी से मुतल्लिका आपने ये सारा काम इसी तरतीब से करना है, जिसमें आपके असबाक भी शामिल हैं, कवायद से मुतल्लिका काम भी शामिल है, दरख्वास्त खतूत भी शामिल हैं और मज़ामीन और कहानियाँ भी शामिल हैं। ये तमाम तरतीब आपके सामने है। आपने इसी तरतीब को देखते हुए अपना अमली किताब का काम और इकरा नोटबुक पर तहरीरी काम मुकम्मल करना है।
ये तमाम काम इसी तरतीब से किया जाएगा और बिल्कुल इख्तिताम पर हमारे पास दरख्वास्त आ जाएगी, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, और आपने आपको सेंड की जाने वाली वीडियोस में आपने इसी तरतीब को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी इकरा अमली किताब और इकरा नोटबुक पर तहरीरी काम दर्ज करना है। उम्मीद है कि तमाम बताए गए तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी अमली किताब पर और इकरा नोटबुक पर तहरीरी काम करेंगी। शुक्रिया।